A beard does not grow on just gurus, it grows on all men. दाढ़ी सिर्फ गुरुओं की ही नहीं उगती, ये सारे आदमियों के चेहरे पर उगती है। लेकिन ये सारे लोग इसके साथ हर तरह की विचित्र चीजें कर रहे हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। शरीर का कोई भी अंग बिना किसी मकसद के नहीं बना है। हर चीज के लिए, तिल्ली के लिए भी एक मकसद है। There is a purpose. तो कुदरत ने आपको बिना मकसद के कोई भी चीज नहीं दी है। अगर आप उनसे पूछें कि वो उसे क्यों काट रहे हैं, तो वो नहीं जानते, क्योंकि जब अंग्रेज भारत आए तब हर भारतीय के चेहरे पर दाढ़ी या कम से कम मूछ हुआ करती थी। आज आप मुंबई की किसी सड़क पर निकल जाएं, आपको हर कोई मुछमुंडा दिखेगा, क्योंकि वो उन लोगों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आकर उन पर राज किया। क्योंकि जो आप पर राज करते हैं वो ताकत का प्रतीक है। अगर आपकी संवेदनशीलता एक खास स्तर पर है, तब आप जानेंगे कि आपके शरीर में हर चीज का क्या असर होता है और उसका क्या पहलू है। आपको लगता है कि ये फैशन है, पर आपको ये भी समझना चाहिए कि आप अपने बालों को अलग अलग तरह से और आकार में सिर्फ इसलिए कटवा रहे हैं क्योंकि बालों में दर्द नहीं होता। अगर आपकी नाक में दर्द नहीं होता तो फैशन के नाम पर आप इसे भी अब तक कई तरह के आकारों में कटवा चुके होते। दर्द होने के बावजूद भी लोग इसमें 10 जगहों पर छेद करा लेते हैं। अगर आपके पूरे शरीर में कहीं दर्द नहीं होता तो आपने अपनी आंतें बाहर निकाल ली होती और उन्हें इस तरह लेकर घूमते। Yes. Yes or no? Right now, most human being... ज्यादातर इंसान इतने जागरूक नहीं है, उनकी बुद्धि इतनी जागरूक नहीं है कि अगर कोई दर्द नहीं हो तो भी वो खुद को बचाकर सुरक्षित रख सकें। बस दर्द की वजह से ही वो साबुत दिखते हैं, वरना उन्होंने खुद को दो टुकड़ों में काट लिया होता और एक हाथ इधर और दूसरा हाथ उधर लेकर घूमते। वो खुद के साथ हर तरह की बेहुदा चीजें करते। केवल दर्द ने ही उन्हें बचा कर रखा है, उनकी समझदारी ने नहीं। अगर आपकी बुद्धि और आपकी संवेदनशीलता काम करने लगती है, तब आपकी चिंता इस बारे में होगी कि आप अपने भीतर कैसे हैं और आप क्या अनुभव करते हैं और आपको ज्यादा बोध कैसे हो सकता है। आपकी चिंता ये नहीं होगी कि आप कैसे दिखते हैं। तो इस लुक का फायदा यह है कि अगर मेरे पास 10 साल तक भी शीशा ना हो तो भी मैं वैसा ही दिखूंगा। जो लोग ये सब हटा रहे हैं, एक दिन शीशे के ना होने पर वो बिल्कुल अलग दिखेंगे। और आज का फैशन चाहे जो भी हो, हैव यू सीन पिक्चर्स ऑफ पीपल, क्या आपने 50 साल या 100 साल पहले के लोगों की तस्वीरें देखी हैं? कोई अपनी मूछें ऐसे काटता था, कोई ऐसे रखता था। आज आप उसे देखते हैं तो वो फनी लगता है, वो आपको कार्टून लगते हैं। और आज का फैशन भी कुछ समय बाद ऐसा ही दिखेगा। A period of time. लेकिन पूरी दाढ़ी वाला इंसान हमेशा एक सा ही दिखता है। हजार साल बाद भी वो वैसा ही दिखेगा, क्योंकि कुदरत यही चाहती थी। कुदरत ने कुछ भी बिना मकसद के नहीं दिया। अगर आप ज्यामिति या डिजाइन में यकीन रखते हैं तो डिजाइन ऐसी ही है। मैं सृष्टिकर्ता के डिजाइन को बदलना नहीं चाहता, मैं उसका पूरा फायदा उठाना चाहता हूं।